Now let's see relationship set with key constraint and participation constraint. अभी तक हमने जो देखा है वो थे relationship set with key constraint, जो इससे पहली वीडियो में देखा था. अभी हम देख रहे हैं relationship set with key constraint and participation constraint. जो last वीडियो में हमने diagram बनाया था पहले वही बना रहे हैं अभी. Student और courses हमारा रिलेशनशिप था एनरोल्ड इन, और यहां पे हमने एरो लगाया था. एरो का क्या मतलब था? ईच कोर्स विल हैव एट मोस्ट वन स्टूडेंट. ठीक है, यहां पे हमने स्टूडेंट आईडी रखी, स्टूडेंट नेम रखा, यहां पे हमने कोर्स आईडी रखी और एक कोर्स नेम रखा. ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं आपको कि ये डायग्राम तो लास्ट टाइम भी था जो था हमारा रिलेशनशिप सेट विद की कंस्ट्रेंट. अब हमने इसमें पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट और ऐड कर दिया, यानी कि ये डबल लाइन हो गई. इसका मतलब क्या हुआ? ईच कोर्स विल हैव एग्जैक्टली वन स्टूडेंट. ईच कोर्स विल हैव एग्जैक्टली वन स्टूडेंट. देखो, जब ये लाइन नहीं थी तब टोटल पार्टिसिपेशन नहीं था, मतलब जो भी इसके अंदर होगा वो यहां पे पार्टिसिपेट जरूर करेगा. ये लाइन तो हमारी टोटल पार्टिसिपेशन बता रही है. और एरो का मतलब क्या हुआ? ओनली वन, बिकॉज जीरो और वन होता है इस एरो का मतलब. अब जीरो तो हो नहीं सकता बिकॉज टोटल पार्टिसिपेशन है, सबको पार्टिसिपेट करना ही है, तो इसलिए एग्जैक्टली वन होगा फिर. ठीक है, दोनों लाइन हो गई, अगर लाइन और एरो दोनों चीजें हो गई तो एग्जैक्टली वन. ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? और ये केस क्या है? वन इज टू मैनी, मतलब वन स्टूडेंट कैन हैव मैनी कोर्सेज बट वन कोर्स कैन हैव एग्जैक्टली वन स्टूडेंट. ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम दो टेबल से ही बना सकते हैं, क्योंकि वन इज टू मैनी में हमने कितनी टेबल यूज की थी? टू टेबल्स यूज की थी. और अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो जिधर एरो है या मैनी वाली की साइड, हमने उसको फॉरेन की बना दिया था. तो हमारे पास दो टेबल बनेंगी, एक स्टूडेंट टेबल जिसके अंदर एस आई डी और एस नेम होगा, और दूसरी टेबल हमारी बनेगी कोर्सेस जिसके अंदर हमारे पास सी आई डी, ये हमारी प्राइमरी कीज है, सी नेम, और हम स्टूडेंट आईडी को फॉरेन की रख सकते हैं. ठीक है, ये टोटल पार्टिसिपेशन. अगर टोटल पार्टिसिपेशन होगा तो क्या फॉरेन की नल हो सकती है? नहीं, क्योंकि देखिए ये नल क्यों नहीं हो सकती, इसको भी देख लीजिए एक बार. ये एस आईडी एस नेम, टोटल पार्टिसिपेशन से क्या चेंज हो गया पिछली बार से? सिर्फ नल नहीं होगा फॉरेन की, बाकी सब कुछ सेम है. सी आईडी, सी नेम और स्टूडेंट आई डी, यहां पे हमने रखा 1A 2B 3C, और कोर्स नेम है 101 102 103, लेट से सी प्रोग्रामिंग, डी एस, ओ एस. ठीक है, अब ये स्टूडेंट सी वाला प्रोग्राम ले रहा है, ये स्टूडेंट ओ एस वाला प्रोग्राम ले रहा है, और मैं ये अगर कहूं कि ये वाला किसी भी बच्चे को नहीं दे रहे हैं तो टोटल पार्टिसिपेशन नहीं होगा फिर, हमें टोटल पार्टिसिपेशन वॉयलेट कर देगा ये. क्यों? क्योंकि हर एक टपल जो इस टेबल में होगा वो इस टेबल में पार्टिसिपेट करना चाहिए, यही तो मतलब है टोटल पार्टिसिपेशन का. इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये एफ के नॉट नल के साथ में चलेगा, नॉट नल, तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा. और अगर हम यहाँ पे एक बच्चे को दूसरा कोर्स देना चाहें तो वो दे सकते हैं डिजिटल लॉजिक और वन. देखो, वन स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन कोर्स बट वन कोर्स विल हैव एग्जैक्टली वन स्टूडेंट. वन कोर्स विल हैव एग्जैक्टली वन स्टूडेंट, किसी भी कोर्स में सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं दोबारा इस कोर्स को डालूंगा दूसरे स्टूडेंट को डालने के लिए, ये करना पड़ेगा. अगर एक से ज्यादा स्टूडेंट डालना है एक कोर्स में, ये अलाउड नहीं होगा बिकॉज दिस इज रिपीटेशन ऑफ अ प्राइमरी की. ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसके अंदर नोट, इफ द एंटिटी सेट इज टोटली पार्टिसिपेटिंग विद रिलेशनशिप सेट देन
फॉरेन की विद नॉट नल कंस्ट्रेंट इज रिक्वायर्ड। नॉट नल लगाना पड़ेगा आपको। लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने इसी का बनाया था, बस उसमें ये डबल लाइन नहीं थी, टोटल पार्टिसिपेशन नहीं था, तो हमने ये नॉट नल नहीं रखा था, बाकी सब कुछ सेम था। ठीक है, 1:m है तो यहां से आपको पता चल जाएगा 2 टेबल्स ही बनेंगे। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार हम टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड से रखते हैं। लेट से हमारे पास में एक एंटिटी है E1, दूसरी एंटिटी है E2 और एक रिलेशन है R, और यहाँ पे लेट से हमारे पास A1 और A2। A1 हमारा प्राइमरी की है, B1 प्राइमरी और B2 एक एट्रीब्यूट, ये टोटल पार्टिसिपेशन में है दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड से टोटल पार्टिसिपेशन। ऑब्वियसली ये 1:1 है। अब 1:1 तो आपको दोनों एरो देख के भी समझ में आ जाएगा कि दोनों तरफ अगर एरो है तो 1:1 है, दो डबल लाइन है दोनों साइड तो टोटल पार्टिसिपेशन है। टोटल पार्टिसिपेशन में और विदाउट टोटल पार्टिसिपेशन 1:1 में क्या अंतर है? वहां पे 1:1 में 0 भी हो सकता है, मतलब लेट से एक स्टूडेंट हमने यहाँ पे बनाया और ये कोर्सेज बनाई, तो वन स्टूडेंट इज नॉट हैविंग एनी कोर्स, दैट इज पॉसिबल विदाउट टोटल पार्टिसिपेशन। बट इन टोटल पार्टिसिपेशन एवरी स्टूडेंट हैज टू हैव वन कोर्स, एवरी कोर्स हैज टू हैव वन स्टूडेंट। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा था कि वन स्टूडेंट कैन हैव मैनी कोर्सेस, बट इधर से भी अगर हमने टोटल पार्टिसिपेशन लगा दिया तो ईच स्टूडेंट विल हैव ओनली वन कोर्स। तो टोटल पार्टिसिपेशन इन 1:1 रिलेशनशिप कैन बी शोन विद वन टेबल ओनली। ये हम केवल एक ही टेबल से बना सकते हैं, और लेट से हमने टेबल का नाम रखा E1, E2 और उसके अंदर A1, A2, B1, B2, ये हम इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स रख देंगे। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो इफ देयर इज अ की कंस्ट्रेंट, एरो क्या है, की कंस्ट्रेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ एन एंटिटी सेट विद टोटल पार्टिसिपेशन। देखो, की कंस्ट्रेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स विद टोटल पार्टिसिपेशन, देन वी कैन रिप्रेजेंट दैट बाइनरी रिलेशनशिप यूजिंग सिंगल टेबल। ठीक है, ये एक ही टेबल से शो किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 1:1 है और होना ही है, नल हो ही नहीं, होएगा ही नहीं, तो आप केवल एक ही टेबल बनाओगे जिसके अंदर लेट से आपने रखा स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, तो आप क्या रखोगे, वन स्टूडेंट है ए, उसका नाम है, कोर्स उसने 101 लिया जिसका नाम है प्रोग्रामिंग। अब वन स्टूडेंट दोबारा आ ही नहीं सकता और ना ही ये कोर्स दोबारा आ सकता है, तो एक ही लाइन में आ गया, जब रिपीटिशन होगा ही नहीं अब तो दूसरा स्टूडेंट आएगा विद मे बी सेम नेम और डिफरेंट नेम, ये कोर्स भी डिफरेंट होगा, 101 नहीं हो सकता, 102 होगा और उसका नाम डिफरेंट होगा, लेट से पाइथन। ठीक है, तो दिस इज अवर ER मॉडल टू रिलेशनशिप मॉडल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीक एंटिटी रिलेशनशिप ऑल्सो। वीक एंटिटी रिलेशनशिप में आपको हमने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास एक एम्प्लॉय है और इस एम्प्लॉय के हमारे पास एम्प्लॉय नंबर और लेट से एम्प्लॉय नेम, ये डेटा है और भी बहुत सारा है, फॉर सिंप्लिसिटी वी आर कीपिंग दिस मच ओनली, और इसकी रिलेशनशिप हैज, और आपको बताया था उसमें रिलेशनशिप भी डबल डायमंड में होगी और इसकी ये भी डबल्स रेक्टेंगल में होगी डिपेंडेंट। डबल से समझ में आएगा कि ये वीक एंटिटी रिलेशनशिप है, और इसमें है डिपेंडेंट नेम और लेट से डिपेंडेंट सिटी, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग यू कैन टेक। ओके, अब यहाँ पे तो हमारे पास प्राइमरी की है बट यहाँ पे कोई डिपेंडेंट में कोई हमारे पास की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे ये टोटल पार्टिसिपेशन होगा, एवरी डिपेंडेंट मस्ट हैव एम्प्लॉय, इसलिए टोटल पार्टिसिपेशन है, एंड एवरी डिपेंडेंट मस्ट हैव ओनली वन एम्प्लॉय, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास की कंस्ट्रेंट भी है। तो अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो वीक एंटिटी रिलेशनशिप जिस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है वो एक बार देख लीजिएगा। अब इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है,
तो इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो टेबल बना सकते हैं। इसके लिए हमें टू टेबल्स आर रिक्वायर्ड। देखो ये है वन इज टू मैनी की रिलेशनशिप। क्यों है ये वन इज टू मैनी रिलेशनशिप? वन एम्प्लॉई कैन हैव मैनी डिपेंडेंट्स। एक एम्प्लॉई है ए बी सी, इसके लेट्स से डिपेंडेंट है मदर, फादर और लेट्स से उसकी वाइफ। ठीक है, तो वन एम्प्लॉई इज हैविंग मैनी डिपेंडेंट्स, बट ईच डिपेंडेंट विल हैव ओनली वन एंड ओनली वन एंड ओनली वन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे इसके लिए भी एक ही है, इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है। ऐसा नहीं हो सकता इस मदर के लिए ए बी सी एंड एक्स वाई जेड हो। ठीक है, ये हमने बताया आपको। तो वन इज टू एम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टू टेबल्स आर रिक्वायर्ड। और वो दो टेबल कैसे बनेंगे, इसके लिए तो आपको पता है कि एम्प्लॉय एक टेबल होगी और उसमें हम एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की और एम्प्लॉय नेम ये हम रख देंगे। दूसरी टेबल हमारी बनेगी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट टेबल के अंदर हम एम्प्लॉय नंबर को एज ए फॉरेन की रखेंगे, ये हमारी फॉरेन की होगी, और डी नेम और डी सिटी। ठीक है, ये हम यहाँ पे रखेंगे। अब देखो कैसे चल रहा है ये काम। लेट से एम्प्लॉय नंबर था वन, नेम था ए बी सी, डिपेंडेंट है वन, नेम लेट से हमने मदर लिख दिया, सिटी लेट से पी, फिर वन के ही फादर और फिर लेट से सिटी पी, और वन के लिए ही लेट से वाइफ और सिटी पी। ऑब्वियसली यहाँ पे नाम आएंगे, मैं रिलेशन लिख रहा हूँ बस। ठीक है, लेट से दूसरा कोई है उसकी फिर से मदर और सिटी लेट से एक्स। ओके, क्योंकि ये फॉरेन की है तो डुप्लीकेट्स अलाउड है। ठीक है, नॉट नल इसको हम रख देंगे, यहाँ पे इसको नॉट नल भी रख देंगे, क्योंकि विदाउट एनी एम्प्लॉय देयर इज नो डिपेंडेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे वाइफ लिखा हो और सिटी लिखा हो एक्स और यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको नॉट नल रख देंगे। ओके, तो वीक एंटिटी रिलेशनशिप में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड टिल हियर वी हैव फिनिश्ड द ईआर डायग्राम्स एंड relational model. In next video we will start with few questions on the topics we have studied till now, and then we will start with normalization. Thank you.